एक दिन में निर्विचार हो जाओगे। लेकिन विचारों की क्वालिटी को चेंज करना ये तो आपके हाथ में है। जो विचारों को एक दिशा दी जा सकती है वो तो आपके हाथ की बात है। आप उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें। अगर हम पहले ही दिन ये सोचेंगे कि थर्ड से स्टेज आ जाए वो तो थोड़ा मुश्किल बात है। लेकिन हम इस बात का जरूर अनुभव कर सकते हैं कि गलत ख्याल ना चले, नेगेटिव थॉट्स ना हो, द्वेष के विचार ना हो। इन सब बातों पर तो हमारा कंट्रोल हो सकता है। चलो आप सोचना ही चाहते हो तो कुछ अच्छा सोचो जिससे कुछ अच्छी आउटपुट निकल आए। मन की भी एक शक्ति, मन की शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है। आप देखो, बैठ के आप व्यर्थ विचार करो, थकान आपको उसमें भी हो जाती है। एक आदमी के पास सुख आ जाए तो उसमें भी वो थकान महसूस करता ही। बेटा बीमार है, आपको हॉस्पिटल बिठा दिया जाए, आपने किया कुछ नहीं, बेड पे बैठे थे, फिर भी शाम को थके हारे लौटोगे, क्योंकि ख्यालों से आप थक कर। मन की शक्ति है कि अगर हम मन में ख्यालों के साथ बहते हैं उसमें भी एनर्जी वेस्ट होती है। इसकी जगह कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है, वो पूरा दिन सेवा करके भी फ्रेश फील करता है। आज ज्ञानी को देख लो, वो पूरा दिन कार्य में है, अपने शरीर की भी सेवा है, हम सब की भी सेवा है, और उसके बाद भी वो फ्री फ्रेश मौज में, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग नहीं। इंसान को अगर ख्याल ही तंग करते तो भगवान मन बनाता ना, पर इस मन से प्रीतम भी मिलता है। इस मन को सिमरन में भी लगाया जा सकता है, इस मन में उत्साह भी पैदा किया जा सकता है, इस मन में जोश भी रखा जा सकता है। ये सारे गुण भी तो हैं। आज अगर कोई व्यक्ति सही ख्याल रखेगा तो भी वो आनंद पा सकता है, क्यों नहीं पा सकता है? ज्ञानी के पास भी मन तो है, वो बात अलग हो गई। गुरु को नमन करने के बाद ही अमन हो बैठा। अब अमन में क्या मतलब होता है? भई हम कभी कभी कहते हैं देश में अमन मतलब शांति, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि देश के काम रुके पड़े हैं। काम तो सारे हो रहे हैं, व्यापार चल रहे हैं, देश चल रहा है, राज्य चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि जो वायलेंस गुंडागर्दी वो देश को डिस्टर्ब कर रही है। अब हम कहते हैं अमन हो गया। ज्ञानी कहता है मैंने गुरु को नमन किया, मेरा मन अमन हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मन है नहीं, पर मन अब उतनी वर्किंग कर रहा है जो हम कराना चाहते हैं। वायलेंस नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं, वो मन नहीं बचा जो डिस्टर्ब कर रहा था, वो मन नहीं बचा जो वायलेंस हो जाता था, वो मन नहीं बचा जो एग्रेसिव हो जाता था, वो मन नहीं बचा जिसमें शोर शराबा था। इतना फर्क हो गया। मन तो है, आज मन है तो हमारा भाव महसूस कर सकता है, हमारा प्यार महसूस कर सकता है, हमें प्यार दे सकता है। मन में भाव भरे हुए हैं ना ज्ञानी के? आपके पास प्रॉब्लम कहाँ पर है? क्या आपका मन जो रॉन्ग थॉट ले आता है आप उनको प्रेफरेंस देने लगते हो तो गड़बड़ हो जाती है बात।
अपने ख्याल को अगर हम छाते तो कोई उलझन वाली बात नहीं। अब देखो ना, एक सोच का ही फर्क है। एक व्यक्ति बिजी रह के इजी रहता है और एक व्यक्ति बिजी होके उलझता है। कल भी मुझे किसी ने बोला, आप भी खाली नहीं बैठ सकते, कोई ना कोई काम चाहिए आपको। एक दिन के लिए रख लो, फिर आप संग रख लोगे, फिर भजन रख लोगे, फिर कुछ कर लोगे। काम लोग इजी रहते इजी रहते, खाली बैठ कर क्या करना। अच्छा इतना चलता है, चले। अब बिजीनेस में अगर बिजीनेस ढूंढ लो तो ना शरीर तंग करते हैं, ना बिजीनेस तंग कर करती है, ना उलझन होती है। और कई लोगों को तुम देखो, काम खास नहीं, शोर बहुत। यहाँ भी कई लड़कियां आती हैं ना बाहर शहर, आपको नहीं पता, बड़े शेड्यूल, बड़े शेड्यूल, कितने शेड्यूल, सात सात आठ आठ बजे सोके उठोगे, रूटीन तुम्हारे ठीक नहीं है, हेल्थ तुम्हारी ठीक नहीं है, तो बड़े शेड्यूल बहुत। दस ग्यारह से पहले सत्संग नहीं करते, सुबह अपने को दो तीन घंटा दो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, शेड्यूल तो कुछ नहीं। और जब एक्टिव है बॉडी तो वो काम मांगती, बीमार है बॉडी तो पलंग मांगती। फिर सारा दिन एक ख्याल है, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम। ऐसे लोग करते कोई काम नहीं, बस बोल बोल। और जो करता है वो अपना मौज में चलता रहता है, शांति में चलता रहता है। शरीर है कर्म शेष है, कर्म करने के लिए बढ़िया है, सेवा करता रहे, घूमता रहे, मौज करता रहे। दिक्कत कहाँ है? हमारी हमारी सोच में दिक्कत। अब एक व्यक्ति सोचता है, मेरे को डॉक्टर ने आजीवन दवाई खाने को कह दिया कि ये दवाई चलेगी। एक कहता है शुक्र है दवाई खा के भी अपना सही तो चल, ख्याल में ही तो फर्क है। अब इलाज तो कोई है नहीं भाई, दवा खा के चलाना पड़ेगा, रोने की क्या बात है उसको। ये भी तो शुक्र है दवाई है, ना होती तो बीमारी बढ़ती जाती। यहीं की यहीं कंट्रोल हो गई है, चल रहे हैं, इट्स ओके, फिर भी बढ़िया है। ये हमारे ख्यालों की बात है सारी, और कुछ नहीं। अब तुम पूरा टाइम ये सोचो, होता है कभी कभी, हम लोगों के साथ भी होता है, बाहर शहर गए, कहीं गए, कई बार शरीर थकान हो ही जाती है, फील भी होती है। सुबह सुबह उठ के कई बार लगता है कि आज छुट्टी करें वॉक की, आज ना आराम कर लेते हैं। लेकिन फिर एक ही विचार से उठते हैं कि सारे काम ये तो आजीवन ऐसे चलेंगे, फिर जिससे काम लेना इस बेचारे को क्यों अवॉइड करो, उठना तो होगा ही, अभी नहीं उठेंगे, आधे घंटे बाद उठेंगे, चलो भैया, फिर चल पड़ते हैं, हो जाता है सब, कोई बड़ी बात नहीं। और कुदरत ऐसी होती है, जिस दिन ऐसा कभी सोच भी लो ना थोड़ा सा, उस दिन वो काम आएगा सामने, मिलने वाले भी उस दिन ज़्यादा होंगे, लिखाई पढ़ाई का काम भी उस दिन ज़्यादा होगा, कहीं आना जाना भी ज़रूर पड़ेगा, कोई अस्पताल भी ज़रूर पहुँचेगा, उस दिन बल्कि ज़्यादा ही काम हो जाता है। पर फिर एक बात अनुभव में आती है कि भगवान चलाता है, ऐसी तो कोई बात नहीं। अब कहीं तो पलटना पड़ेगा ना अपनी मनोवृत्ति को। अगर रोज आप अपने को आलस का विचार दोगे तो शरीर तो रोज आलस करेगा। कोई भी काम करोगे, मान लो आप अपने को एक विचार दे देते हो, मैं ना चल नहीं सकता, सच में आप नहीं चल सकोगे। पर ये सोचो मैं बैठता जा रहा हूँ तो भैया थोड़ा थोड़ा करके शुरू करूँ, आज 5 मिनट चलता हूँ, कल 10 मिनट चलूँगा, परसों 15 मिनट चलूँगा, ये तो होता ही है ना। अगर आप अपने विचारों से अपने को सही नहीं करोगे तो आपको कोई बाहर भीतर से ठीक नहीं कर सकता। अब दवाई नहीं ठीक करती, पर पेशेंट का जो कॉपरेशन है डॉक्टर के साथ वो ठीक करता है, परहेज ठीक करेगा, समय से दवाई खानी पड़ेगी, डॉक्टर की बताई बात पे चलना पड़ेगा। होता है शरीर तो कभी कभी होता है, हमारे शरीर में इतनी तकलीफ आई, नहीं चल पाते थे, एक समय बाथरूम तक नहीं उठा जा रहा था,
डॉक्टर ने बोला अब आपको स्टार्ट करना है, अब स्ट्रेंथ आएगी चलने से आएगी, अब दवाई का काम खत्म है। तो उसने बोला आप 5 मिनट वॉक करो, हाथ पकड़ के ही करो किसी का, पर करो। 5 मिनट से स्टार्ट कराया, 15 दिन में बोला 10 करो 15 करो, अभी इतना कर दिया कि आराम से वॉक भी करते हैं, आराम से सारा दिन भी चलते हैं, लेकिन माननी तो पड़ेगी ना। और खुद को ही चिंता थी कि ये गलत है, ये बैठने वाला काम तो बड़ा गलत है, ऐसे सारा दिन क्यों बैठे रहें, चलना तो चाहिए। अब चलना शुरू किया तो तकलीफ तो हुई, बहुत तकलीफ होती थी, चलने में भी होती थी, घर आके भी होती थी, लेकिन फिर नॉर्मल भी उससे ही हुआ ना। अब आपको अगर अपने अंदर ये ख्याल ही नहीं है तो आप तो फिर अपने मन के वश बैठे रहो। फिर अब आज आपकी छुट्टी है, अब किसको नहीं लगता कि आराम कर लूँ, कई बार तो घर के भी कितना तो भागते हो, परसों तो भी सत्संग सुन के आए हो, अच्छा मत जाओ, अपना मन भी कह सकता है अच्छा नहीं जाओ, एक ही तो छुट्टी होती है, अब शनि भी जाओ इतवार भी जाओ छुट्टी वाले दिन भी निकल जाओ, रोज़ तो ऑफिस भागते हैं दिखाता है। पर जब अपने को ये समझाओ कि ये डोज अब मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना तो हफ्ता भी नहीं निकलेगा, आया जाएगा। बात ये है कि ख्यालों की दिशा किधर जा रही है, बात सिर्फ ये है। बहाने बहुत हो सकते हैं, मन हरामी उजता ढेर, जिसके मन में बदमाशी है उसके पास बहानों की कमी नहीं है, लेकिन जिसके अपने अंदर का संकल्प अच्छा है वो मेहनत कर सकता है अपने साथ, चाहे संसार में हो चाहे इस मार्ग पर हो, मेहनत तो आपको अपने से ही करनी है, अपनी सेवा भी खुद करनी होती है, अपना ध्यान भी खुद रखना होता है, अपने को पॉजिटिव भी खुद रखना होता है। देखो आज हम आपको रास्ते बता सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स दे सकते हैं, टाइम आने पर आप अपने को पॉजिटिव तो खुद ही करोगे ना, आप अपने को पॉजिटिव ही ना करो तो क्या हो सकता है। अब ये तो अपनी अपनी समझ की बात हो जाती है, हमारे भगवान विचार ही ऐसे ऐसे देते थे। एक बार लड़कियों ने थोड़ी शिकायत की किसी की, कोई सत्संगी थे, प्यार भी बहुत था, हमारा आना जाना भी था, पर थोड़ा उनका नेचर था टोकने का बोलने का। लड़कियों ने शिकायत की गुरुजी से जाके, भगवान थोड़ी उलझन होती है भैया से कोई, या तो वहाँ सत्संग ना रखा करें। भगवान ने इतना प्यारा जवाब दिया, बोले अगर शादी हो जाती सास नंद ऐसी मिल जाती फिर क्या करती। उस दिन के बाद किसी ने बात नहीं की, मतलब सीधा है एडजस्ट तुम्हें करना आना चाहिए भाई, मोजे का जुराब हुए बिन, वो मोजे की तरह फ्लेक्सिबल हुए बिना फिट तो तुम कहीं भी नहीं होगे, जहाँ मर्जी बैठ जाओ, बात ख़त्म हो गई। अब समझो कभी कोई बात करता था थकान की आलस की, भगवान एक ही विचार देते थे कि अगर शादी हो गई होती सास बिठा के खिलाती क्या, वहाँ तो घर की भी सेवा करते, पति को भी देखते, उसको भी सुख देते, अपने शरीर की भी करते। अब बात तो विचार की है, कोई विचार कैसा रखता है इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। बाहर की प्रकृति किसी की टफ नहीं है, हमारे ख्यालों ने टफनेस क्रिएट की हुई है, बाहर की प्रकृति किसी की टफ नहीं है। दादाजी तो बोलते थे बीमारियां भी क्यों आती हैं, तुम्हारी लापरवाही से, तुम कहीं ना कहीं केयरलेस होते हो तो तुम्हें बीमारियां भी आ जाती हैं, अगर तुम ध्यान रख के चलो अपना तो बीमारी से भी बचे रहोगे। अब इसको देहाध्यास नहीं कहते लेकिन एक अकलमंदी कहते हैं, जो अपने आप को सही चलाएगा उल्टा किसी पे बोझ नहीं बनेगा, सेवा नहीं लेनी पड़ेगी किसी की। एक अपने अंदर भी तो होता है ना भाव कि हम अपने को इतना सही चलाएं किसी की सेवा ना लेनी पड़े। अब प्रारब्ध का कुछ है तो कुछ कर नहीं सकते, पर अपनी गलतियों से तो ना भुगते हैं ना बैठ के,
उस सब के लिए आपको अपने ख्याल दुरुस्त करने पड़ेंगे। कहीं आपको लगता है आपको नेगेटिविटी आती है, अवॉइड करो उस सर्कल को। कहीं आपको लगता है कि आपके विचार गलत दिशा में जा रहे हैं, गुरु से सही विचार लो। खुश रहना सीखो, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन वास करेगा। स्वस्थ मन होगा तो तन अपने आप स्वस्थ रहेगा, कई बीमारियां अवॉइड हो जाएंगी। दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है, तन के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, मन के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। कईयों के पास तन बीमार है तो अंदर मन बीमार हुआ पड़ा है, कईयों का मन बीमार है तो शरीर में एनर्जी फील नहीं होती है। भैया दोनों को ठीक रखो, तन को भी ठीक रखो, मन को भी ठीक रखो। अब डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, शरीर की एक छोटी छोटी हरकत भी इसके लिए एक्सरसाइज का काम करती है। पहले आपके किचन्स होते थे ना, नीचे बैठ के आप लोग काम करते थे, 10-12 आप उठते बैठते थे, घुटनों के दर्द थे ही नहीं। आजकल लेडीज को मैक्सिमम है, फर्क हो गया, क्योंकि उठने बैठने में वर्जिश हो गई। फिर चौकी पे बैठे, कभी टांगों की पोजीशन कैसी, कभी कैसी, सारी एक्सरसाइज हो गई। अब फिजियोथेरेपी कराने चले जाओ, वही सब कराते रहते, खुशी खुशी कराते। थेरेपी पे गए थे, थेरेपी पे, थेरेपी क्या थी, उन्होंने वही सब घुटने टांगे मोड़ डाली, पैर मोड़ डाले जो तुम्हारे घर मुड़ते थे। थेरेपी तो वही है और तो कुछ नहीं है, तो अपने ऊपर। अब आप अपने से अगर मेहनत नहीं करो तो तन स्वस्थ नहीं रह सकता, और अपने से मेहनत ना करो मन भी स्वस्थ नहीं रह सकता। खुशी आएगी नहीं, सारा दिन बीमारी हो, शरीर दुखी हो, मन कहाँ से खुश होगा। हम सोचते हैं दवाइयों के आधार पे शरीर ठीक हो जाए, नहीं हो सकता। दवाइयों के आधार पे शरीर ठीक नहीं होता, ये परहेज के आधार पे ठीक होगा, मेहनत से ठीक होगा। ये इसकी प्रकृति है कर्म करने की। देखो जिसका शरीर बैठा वो जंग खाया, जिसको आदत पड़ गई ना बैठने की वही जंग खा जाएगा। इसको चलाना पड़ता है, थोड़ा इसको पैदल भी चलाओ, थोड़ा इसको धक्का मुक्का भी खिलाओ। गाड़ियों ने तो काम खराब किया आजकल, कार ने कर दिया सबको बेकार, बेकार कर दिया एकदम। घर से चढ़े घर में आके उतरे, पहले पैदल बस स्टॉप तक जाते थे, बस एक आगे रुकी एक पीछे रुकी, दौड़ते थे, बस में धक्के वक्के लगे। अब वो ताड़ आसन करवाते हैं योगा में, है ना, बस में ताड़ आसन सहज होता था। वो खड़े हैं ऐसे लटक के, अब बस ने ब्रेक मारी, धक्का लगा, सारा शरीर स्ट्रेच हो गया। जिम में स्ट्रेचिंग बोलते हैं, योगा में ताड़ आसन बोलते हैं, करना ही नहीं पड़ता था। बस का ड्राइवर कोई कोई इतना अच्छा होता था, जितनी देर खड़े वो ताड़ आसन की पोजीशन दे देता था, अपने आप कर भी ना पाए इतनी देर वो करा देता था। लटके जा रहे हैं, एक साइड झोला टंगा हुआ है, एक हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, चलो वही कार ने कर दिया बेकार। और अब इतनी गंदी आदत पड़ गई है सबको, जरा सी दूर भी जाना हो पैदल नहीं चल सकते, यहीं देखते हैं। यहाँ सामने शॉप तक जाना हो ना चाबी निकाले, चाबी क्यों उठा रहे, ये बाइक पे बस एक किक मारेंगे पहुंच गए, जरा दो किक इसको मार लो चल लेगा पैदल थोड़ा सा, ये आदत नहीं। अभी ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ेगी सबकी बाइक भी छूट जाएगी, फिर कार पे आ जाएंगे, फिर कार में बैठते ही एसी हो, इतनी गंदी आदत हो जाती है एसी की। कई लोग बेचारे पिटते रहते, फलाना मेरी गाड़ी ले गया ना एसी का बटन ऑन ही छोड़ दिया, क्यों, उसने तो यहाँ आके दरवाजे पे गाड़ी रोकी होगी, गाड़ी बंद कर दी, याद नहीं रहा एसी बंद करना, छूट गया ऐसे का ऐसे। दूसरे की चीज़ वैसे भी लापरवाही से यूज़ करते, पर कौन गर्मी सहे, कौन जाए, उतना भी छूट गया, बाइक भी छूट गई, स्कूटर भी छूट गई, अब कार चाहिए। पूरा दिन इंसान सुख के साधन ढूंढता है, जितना मन को सुख दे रहे हो तन उतना दुखी हो रहा है बेचारा, क्या किया जाए। सारा दिन सबको सुख के साधन चाहिए। अच्छा कभी तुम इंसान को देखो ना, वो अपने थॉट्स से अपने आप को चेंज करने की भी कोशिश नहीं करता। हमने तो ये भी अनुभव किया, हम लोगों को भगवान प्रैक्टिस कराते थे। अच्छा तुम बस में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तुम्हें
नींद आ रही है, क्यों नींद आ रही है, सुबह तुम समय से उठे हो, बोलते थे लिखो, पढ़ लो, अपनी डायरी लेके जाओ, कुछ लेके जाओ बस में, पढ़ो। सब लोग क्या करेंगे, 2 घंटे 3 घंटे जितना मिल जाए बर्बाद करने को। आजकल बसों में भी टीवी शीवी चलते, अपना आराम से मूवी देख ली, मूवी देखते नींद नहीं आएगी, सत्संग में आ जाएगी। कितनी नींद चाहिए तुम्हें, तुम अपने से पूछो तुम्हारे शरीर की कितनी रिक्वायरमेंट है। असल में कोई मास्टर ही नहीं, तुम अपने मन के, बुद्धि के, इंद्रियों के मास्टर हो, कोई मास्टर नहीं, गुलाम हो, चाकर हो, नौकर हो इन सब चीजों के। दिखता ही नहीं कोई कि किसी की अपनी बॉडी पर मास्टरी भी हो। कि तुम अपने मास्टर हो तो बात करो, नहीं हम अपने मास्टर नहीं, ये सब तुम्हें चला रहे हैं। हमसे हिसाब लिया जाता था, बस में बैठे पैर कुछ देखा, नींद करी, क्या किया, नहीं भगवान हम डायरी पढ़ रहे थे, ठीक, मन केवल भगवान में रहे। अभी तुम देखो सबके पास सिर्फ एक विचार, थके रहते, नींद ना पूरी नहीं होती, शरीर ना थका रहता है, तो बीमार हो तुम, डॉक्टर को दिखाओ। फिर इस उम्र में 6 घंटे नींद एनफ है, मोर देन एनफ है, उसके बाद तो 18 घंटे एक्टिव होना चाहिए। हम किस दिन यहाँ से भी जल्दी चले जाएं ना, मेरे निकलते ही लड़के तो खास तौर पे एक एक करके सारे पड़ जाएंगे, सो गए, खुश होते हैं लोग जिस दिन हम जल्दी चले जाएं ना, चलो आज तो 2-3 घंटे सो लें आराम से, फलाना कहाँ है वो नीचे सो रहा है, फलाना कहाँ है ऊपर सो रहा है, कितना सोना है। उनको लगता है शायद आज कोई है नहीं तो आज मौज मारो, मस्ती मारो, फ्री हो गए आज 7-8 बजे, चलो सो जाओ आराम से। शरीर को कितने सुख देने हैं तुम लोगों ने, कितना सुख देने, पता ही नहीं, तुम्हें ही नहीं पता। तो ये सब तुम्हारी गलत सोच का नतीजा है ना। मन ये क्यों नहीं सोचता आज टाइम है कुछ कर लूं, एक्स्ट्रा वर्क तो बिल्कुल नहीं कर सकते, साधना बिल्कुल नहीं कर सकते, बस खाया पिया सोया, ये काम आता है सबको, इस काम में पूरी मास्टरी है। खा लें, पी लें, सो लें, मौज मस्ती मार लें, इस काम में पूरी मास्टरी है। और तुम इन सब चीजों के मास्टर बनो, वाणी के भी मास्टर बनो, क्या बोलते हो, किससे बोलते हो, क्यों बोलते हो, कितना बोलते हो, आपस में ही बैठे हैं बस हंसी मजाक वाहियात, कब कितना करना है, गंभीर होके अपना तपस्या में रहो, अपनी सबसे कुछ ना कुछ बकवास करते ही रहनी है सारा दिन, अंतर्मुखता है ही नहीं, मौन है ही नहीं। यहाँ के वो लोग रहते हैं ना अपने अपने शहरों के भी, वो फिर 2 सत्संग करने वाले हैं, उनकी सारा दिन अपनी बकवास नहीं खत्म होती, माइयाँ लगी पड़ी हैं आपस में सारा दिन पर चर्चा, अरे जहाँ सत्संग हुआ उनको वहीं छोड़ो, तुम अपने में आओ, मौन में आओ, शांत में आओ, कोई अपने लिए कुछ कर लो, बैठे सारा दिन वाहियात बोली बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गलत विचार चल रहे हैं, पता ही नहीं अपने को कि हमारा पूरा दिन कैसे जाता है। पूरे दिन में हिसाब लो ना अपना, इस शरीर ने आज कितनी सेवा की, भगवान ने बोला ना कि नौकर को 3 वेला खिलाते हो उससे इतना काम लेते हो, शरीर को तुम इतना खिलाते हो पहनाते हो, इसने पूरा दिन में क्या सेवा की, आज ये कितना चला, कितना एक्टिव रहा, कितना काम किया इसने। किसी के घर नौकर का वजन नहीं बढ़ता और शरीर रूपी नौकर का वजन घटता नहीं, क्योंकि नौकर माना ही नहीं, नौकर माना हो तो इसको ढंग से चलाओ ना, इसको तो नौकर माना ही नहीं, इसको तो बहुत प्यार करते। कभी सुना है तुमने किसी के घर नौकर का वेट बढ़ रहा हो, काम वाली बाई का वजन बढ़ गया हो, बढ़ता ही नहीं उन विचारों का, तुम बढ़ने देते ही नहीं, इतने होशियार तुम बैठे हो, जिम वाला ना किसी का वेट इतना बैलेंस कर सके जितना काम वालियों का तुम कर देते हो। जब से तुम्हारे घर आई होगी 1-2 किलो घटा होगा, बढ़ तो सकता ही नहीं, इतना काम लेते शरीर, ये सारा दिन निकम्मा बैठा, सारा दिन कोई काम नहीं,
वे कहेंगे हम खाते भी इतना नहीं, खाते तो नहीं हो पर पड़े जो रहते हो एक जगह सारा दिन, इसका आराम जो सूझता है तुम्हें सारा दिन, इसको सिलाने की तो तुमको चिंता रहती है, वो सब परेशानी है ना, क्योंकि इसको एक्टिव तो रख, इसके अगेंस्ट नहीं चला जाता। सबसे बड़ी दिक्कत है कोई अपनी बॉडी के अगेंस्ट जाना ही नहीं चाहता, जहाँ थोड़ा सा शरीर को तकलीफ होती है हम वो काम ही नहीं करना चाहते, लोग वॉक क्यों नहीं करना चाहते, एक्सरसाइज क्यों नहीं करना चाहते, योगा क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि शरीर को हिलाने में तकलीफ, एक तो सुबह उठाना पड़ेगा जल्दी, फिर उसके बाद इसको हिलाना डुलाना पड़ेगा, फिर सोचते हैं नहीं हमारे पास तो काम ही बहुत है, हमारे तो शेड्यूल ही बड़े टाइट हैं, हम तो बहुत बिजी हैं, बिजी विदाउट वर्क, काम धेले का नहीं कर रहा कोई भी, सिर्फ जाके एक घंटा लेक्चर कराएंगे सोचेंगे बहुत काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घरों से किसी को बुला लेंगे, गाड़ी लेने आ जाएगी, गाड़ी छोड़ने आ जाएगी, एक घंटा भाषण दे आएंगे, बड़ा टाइट शेड्यूल है, आपको नहीं पता टाइम ही नहीं मिलता हमें, हम पूरे ही नहीं पढ़ते अपने शहर में, पता नहीं क्या करते। और मेन दिक्कत यही है, बॉडी आलस की मारी है, इसीलिए वो एक घंटा भी बहुत बड़ा शेड्यूल लगता है जाना, दिक्कत तो यही है कि जब आदत ही नहीं है हिलने डुलने की, वो कार अंदर नहीं आ सकती ना कमरे के सोफे तक, तो सोफे से उठ के बाहर दरवाजे तक जाना, गाड़ी का दरवाज़ा खोल के अंदर बैठना, फिर उसमें से बाहर निकलना, फिर अगले के घर जाना, तो उसमें भी शरीर को तकलीफ महसूस होती होगी बेचारे को, तो लगता है बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा शेड्यूल है हमारे पास, हम क्या बताएं आपको, बहुत बिजी, बिजी वाली तो कोई बात ही नहीं। ये लोग कराते हैं ना योगा, जो लोग 4 बजे उठ के पहले अपना करते, 5 बजे जाके लोगों को कराते, कि जब लोगों को कराएंगे तो अपनी बॉडी तो सफ़र करेगी। जिम में देखो, जिम इंस्ट्रक्टर उस दिन कोई मिला था, मैंने कहा आप लोग, बोला हम अपना ध्यान रखते हैं बीच में, जब 8-9 बजे रश कम हो जाता है फिर हम खुद दौड़ भाग वेट लिफ्टिंग हम सारी खुद करते, बोला 2 टाइम एक्सरसाइज हम खुद करते हैं, हम मेंटेन कैसे रहेंगे, ये भी सच बात है, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना अपना। जिनके शरीर को आदत नहीं है, और बैठा शरीर बीमारियों का घर, जिसका शरीर बैठा रहेगा बीमारियों का घर बनेगा, नई नई बीमारियां अंदर से पैदा होंगी, जो रोग प्रारब्ध के नहीं है, एक रोग प्रारब्ध के हैं और एक रोग भोग के भी तो हैं, जितना सुख भोगा शरीर ने उतना रोगी हो गया, और लोग भी तो चल रहे हैं, वो तो ऐसे रोगी नहीं है, तुम ही क्यों हो, क्योंकि तुम्हारी लिविंग अच्छी नहीं है, उठना बैठना अच्छा नहीं, खाना पीना अच्छा नहीं, तौर तरीके अच्छे नहीं, ये सब गलत थिंकिंग है, इसकी वजह से गलत रहनी है सारी की सारी। यहाँ भी लोग आते हैं, बैग फैले रहेंगे, कपड़े फैले रहेंगे, हम कहते हैं इनका घर में क्या हाल होता होगा, इनसे अपना सामान ही नहीं संभलता, इतने यहाँ तो कोई बर्डन नहीं है इनके सिर पर, फिर भी इनसे काम नहीं होता, अपने लायक भी नहीं होता, किसी की सेवा तो क्या करेंगे, अपने लायक भी नहीं कि अपना सामान संभाल के रखो, जान इनको अचानक कह दो ना कहीं जाने को, बैग संभाले, बैग तो तेरा संभला हुआ होगा ना, जिप बंद करो और जा बैग की, नहीं नहीं तौलिया इधर पड़ा है, सूट उधर टंगा है, फलानी चीज वहाँ है, टीवी चीज वहाँ है, सारे घर में फैले हुए बैग ही नहीं सिमटा हुआ रहता, 2 दिन को आयो बैग बंद रखो अपना, 2 दिन में इतना फैला देंगे, कुछ कहने की हद नहीं, आदत है नहीं, 2 कदम चलने की आदत नहीं, आदत डालो ना शरीर को चलाना, ये भी तुम्हारे मन पे निर्भर करता है, तुम्हारा है भाव है, स्वस्थ रहने का भाव है, सेवा रहने करने का भाव है, शरीर भी चलेगा, और नहीं तो इसको बिठाए रखो सारा दिन फालतू में, कंपनी भी अच्छी रखो, एक्टिव लोगों के साथ उठो बैठो, बूढ़ों के साथ बैठ जाओ, वो कहेंगे इधर दर्द है इधर, तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी, इधर दर्द है इधर दर्द है, होता नहीं है, बड़े बिजी हैं बैठे हैं, अरे यंग बच्चों के मुंह से बातें अच्छी लगती हैं,
मूर्ख आदमी, उम्र ही कितनी है तुम्हारी, एक्टिव बनो। जितना काम करते हो उससे कई गुना कर सकते हो। ना गुरु का आदर्श आगे रखेंगे, ना गुरु भाइयों का आदर्श आगे रखेंगे, अपना ही रोना रोते रहेंगे और ये रोने खत्म होंगे नहीं। क्योंकि जब तक बॉडी चलेगी नहीं तब तक इसमें चेंजेस आएंगे नहीं, रोग इसके जाएंगे नहीं, इसकी प्रकृति ऐसी। गाड़ी खड़ी कर दो ना, खराब होने लगती है। तभी देखो लोग फौरन जाएं कहीं जाएं, गाड़ी बेच जाते हैं। हम ना अभी 6 महीने साल जा रहे हैं, या किसी को चाबी दे जाते हैं, चलाते रहना इसे, खड़ी तो खत्म, बंद घर खत्म, शरीर भी पड़ा खत्म। ये देख रहे हो जो ये बुजुर्ग लोग सब कहते हैं ना, हम सत्संग आके चल गए हैं। बड़ी बात ये, विचार अच्छे हो गए हैं और रोज चल रहे हैं। घर बैठ जाएं तो अब तक चारपाइयों से लग गए होते, सारा कुछ बिस्तरों पे हो रहा होता, बच्चे और दुखी हो रहे होते। पर सबके पास एक उमंग है मन में, इस चक्कर में सुबह उठ गए, तैयार हो गए, ड्रेसअप हो गए। उमंग जो है इंसान को चलाती है। मन के ख्यालों का बहुत प्रभाव है। आप अपने ख्यालों को डायरेक्शन देनी सीखो ना। दिक्कत क्या है, घर गृहस्थी वाले लोग, नौकरी वाले लोग क्या नहीं करते। सुबह सुबह अपना वॉक भी कराते हैं, जिम पे भी हो जाते हैं, बच्चे भी स्कूल भेजते हैं, नाश्ते भी बनाते हैं, लंच भी पैक करते हैं, नौकरी पे भी जाते हैं, फिर शाम को आके खाने बनाते हैं, फिर बच्चे पढ़ाते हैं, बच्चों को ट्यूशन भी छोड़ आते हैं। कौन क्या काम नहीं कर रहा। अभी तो बहुत अच्छा हो गया सबके साथ, बहुत सुखी हैं, कुछ काम है ही नहीं, तो भी सारा दिन शोर है व्यर्थ का, क्योंकि ख्याल गलत है। ख्याल एकदम बेकार क्वालिटी की, अच्छा ख्याल है ही नहीं, स्ट्रांग है ही नहीं। देखो जिसकी विल पावर अच्छी होती है ना, वो बीमारी से लड़ने के बाद भी उठ जाता है। और वो ना हो ना विल पावर, बीमारी कोई ना हो तो भी पड़ेगा, हिलने डुलने की हिम्मत ही नहीं खत रहेगी तुम्हारे अंदर। सब है तो तुम्हारे ऊपर बात, तुम अपने को कैसे चलाते हो, क्या विचार देते हो अपने को, अपनी बॉडी को लाइट रखने के लिए तुम क्या करते हो। हम सोचते हैं शरीर को सुख देने से ये सुखी होएगा, नहीं, इसको दुख देने से ये सुखी होएगा। इसको जब चलाओगे ना ये सुखी होएगा, इसको बिठाओगे तो ये दुखी होएगा। चलाओ इसको, अपने से चलाओ इसको, 2 दिन 4 दिन 5 दिन दिक्कत होएगी। वॉक करने जाओगे 2 दिन 4 दिन दिक्कत होएगी, पैर दर्द होएंगे, 5वें दिन से अच्छा लगने लगेगा। जिम ज्वाइन करते हैं ना, शुरू में बड़ी दर्द होती है, पहले हफ्ते तो टैबलेट भी लिख के देते हैं वो, अगर आपको दिक्कत हो ना एक गोली खा लेना पेन किलर, ये वाली लिख के देता है इंस्ट्रक्टर जो होता है। लेकिन 5-6 दिन बाद इतना अच्छा लगने लगता है, दिल करता है टाइम होए जाएं, वहाँ जाके मज़ा आएगा, करने से मज़ा आएगा, सारा दिन एक्टिव रहेंगे। फिर शरीर की प्रकृति ऐसी बनाई है भगवान ने। लेकिन ये सब गलतियां इंसान की अपनी, वो अपने गलत ख्यालों के कारण परेशान है। अवॉइड करो ना रॉन्ग हैबिट्स को, रॉन्ग थिंकिंग को, गलत वाणी को, अवॉइड करो इन सब चीज़ों को। अवॉइड बैड फूड, बैड थिंकिंग, कितनी बार ये बातें चलती हैं सत्संग में। जो चीज़ तुम्हारे शरीर के लिए उचित नहीं है उसको छोड़ो, अवॉइड करो। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और जिसके जीवन में ये नहीं हो, ना वो हेल्दी, ना वो वेल्दी, ना वो वाइज, एक नंबर का मूर्ख, क्योंकि शरीर का विज्ञान ही नहीं पता। हेल्दी तो ऐसा आदमी रह ही नहीं सकता। और वेल्थ कौन सी, आत्मधन, ये भी नहीं है उसके पास। समय से सो, समय से खाओ, एक रूटीन होने से भी ना शरीर अच्छा चलता है, मन प्रसन्न रहता है। एक डिसिप्लिन बड़ी चीज़ है।
तुम्हारी सेना के जवान होते हैं ना, डिसिप्लिन, देखा कितने ताकतवर होते हैं, दुश्मन से लड़ आते हैं, गोली चलाए आते हैं, दुश्मन को मार आते हैं, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बर्फ में ठंड में रह जाते हैं, डिसिप्लिन है, तुम्हारा डिसिप्लिन है, बैठे तो बैठे रह गए, खाने का टाइम ही निकल गया, 10 बजे खा रहे हैं, 11 बजे हमें भी एक शहर गए पीछे, वहाँ कोई काम नहीं, खाने के टाइम खड़े हैं मैनेज करने वाले पर खाएंगे नहीं, 12 बजे जब घर आते थे रात को, फलानी ये बना दो, फलानी फुलका बनाना, फलानी परांठा बनाना, 12 बजे रात को परांठे खाओगे पेट दर्द नहीं होएंगे तो क्या होएंगे तुम्हारे, जब 8 बजे तुम खड़े थे खाना सर्व हो रहा था, अपना एक फुलका खा के साइड होते, कॉमन सेंस का अभाव, रहनी अच्छी नहीं है ना, लिविंग जिनकी अच्छी नहीं है वो कामयाब कहीं हो ही नहीं सकते, जितना मर्जी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, जितने मर्जी सुइयां लगवा लो, जितनी मर्जी गोलियां महंगी ले आओ, 2000 रुपये की एक गोली खा लो, गोली भी रोएगी तुम्हारे शरीर में जाके इस बेवकूफ के पास आ गई, क्योंकि अगर गोली भी पचाने के लिए एक्सरसाइज ना करो उसका इफेक्ट किडनी पे लिवर पे, कहते हैं ना एंटीबायोटिक्स नुकसान करती हैं, मजबूरी खानी भी पड़े उतना पानी अंदर जाए उतना शरीर चले गोली का असर खत्म हो जाए, वरना जो गोली तुमने खाई ठीक होने के लिए एक नई बीमारी को वो जन्म दे के चली जाएगी, रो बैठ के फिर रो बैठ के, इंसान की फितरत गलत है, दिमाग गलत है, वो शरीर को हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं चाहता, वो सोचता है बस ये शरीर तो बैठा हराम की खाता रहे, कुछ भी नहीं हो सकता ऐसे व्यक्ति जो अपने लिए खुद कॉन्शियस नहीं है, केयरफुल नहीं, आदि बीमारियों का इलाज तुम्हारे पास है, बल्कि 99% का ही है, 1% है जो डॉक्टर चाहिए तुम्हें, अदरवाइज तुम बहुत अच्छे चल सकते हो, पर तुम्हें अपने को चलाना आना चाहिए, मैं चलाने ही नहीं आता, अपने एक्टिव होने चाहिए तुम, इधर से उधर उधर से उधर दौड़ सको, बस हम वहां पड़ गए तो वहां पड़ गए, यहाँ पड़ गए तो यहाँ पड़ गए, हिलने डुलने की क्षमता ही नहीं, और क्षमता दवाइयों से आएगी नहीं, चलो तो चलने की ताकत आती है, दौड़ो तो दौड़ने की ताकत आती है, जो करोगे उसी से ताकत बढ़ेगी, आज 4 कदम चलोगे कल 8 चलने की हिम्मत आ जाएगी, आज 8 कदम चलोगे कल 16 चलने की ताकत आ जाएगी, और 4 कदम भी ना चलो और बैठे रहो चला ही नहीं जाता, पैर जमीन पे रखा ही नहीं जाता, तो पैर आज जमीन पे तुम ना रखो कल भगवान नहीं रखने देगा, परसों 4 कंधे पे चढ़ा के छोड़ेंगे, जल्दी जाओगे दुनिया से, कई लोगों के लिए ना सिंपैथी भी नहीं आती मन में, बीमार होते ना दिल नहीं करता कि बड़ा तरस आ रहा है फोन करो बेचारे को, ऐसे लगता है कि अपनी बेवकूफियों से बीमार है, गलत विचारों से बीमार है, खुश रहना नहीं गलत सोचना है, सारा दिन उल्टे सीधे दिमाग में विचार रखने, रहत अच्छी है नहीं, टाइम हो गए हर चीज का, उठने का टाइम, वॉक का टाइम, खाने का टाइम, चलने का, देखो शरीर कैसे नहीं चलता, लेकिन टाइम किसी चीज का नहीं, सो रहे हैं तो देर तक सो रहे हैं, पहले तो तुम सुबह ही देर से उठ जाओ सारा दिन खराब जाता, आलस में और उसमें अजीब अजीब होता रहता है सारा दिन, फिर खाओ ना समय से, दिक्कत तो होगी, हमारा टाइम फिक्स होना चाहिए भाई, हमको 8 बजे डिनर कर लेना, 7 बजे कर लेना, खाओ अपना उस समय, समय से उठो, समय से बनाओ, समय से खाओ, डाइजेस्ट भी हो जाएगा सोते तक, 11-11 बजे खाना खा रहे हैं, 10-10 बजे खाना खा रहे हैं, तो शरीर ठीक होगा उससे क्या, बीमारी होगा, बढ़ेगी बीमारी, तो ये रॉन्ग थिंकिंग नहीं है सारी, सारा विचारों का प्रभाव है, देखा तूने मिलिट्री मैन होते हैं रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव, सवेरे अपना वॉक कर रहे हैं, भीमताल अभी उधर नैनीताल जाते थे हम सुबह वॉक करने, कई मिलते थे मिलिट्री, दूर से चाली बताती थी मिलिट्री मैन ने, कईयों के पास डॉग होता था, डॉग के साथ दौड़े, 70-70-80-80 साल के लोग कुत्ते के साथ दौड़े जा रहे,
क्योंकि कुत्ता भागता था, शेर जैसे कुत्ते थे, वो कुत्ता भागता है साथ साथ भाग रहा है, अपनी जॉगिंग कर रहा है और सब कुछ खाते पीते मस्त रहते हैं। पहाड़ों पे घर बना लिए, मजे से रहते हैं। वहां जाके पहाड़ों पे जाके देखो, ज्यादा घर मेजर कर्नल रिटायर्ड कर्नल यही लिखा होता है, मजे से रह रहे हैं। एक्टिव रूटीन नहीं खराब किया। तुम्हारे रूटीन क्या है? कैसा रूटीन है तुम्हारा? तुमसे जानवर अच्छा? जानवर की भी उसकी कीमत है जो वॉक करने जाता है। किसने बोला गाय का दूध अच्छा होता है? पर बोला ध्यान रखना, गाय वो वाली हो जो चलती फिरती है। जो गाय बैठी रहती है उसका दूध पी के बीमार हो जाओगे और ही ज्यादा। जो गाय घूमने जाती हो ना, उसका दूध बेनिफिशियल होता है। जिस गाय को भी वॉक की आदत हो, बताओ। जानवरों को भी हैबिट्स अच्छी हैं, देखते ही हो जाते हैं। घोड़ा घास चरने जाता है, गाय जाती है, भैंस जाती है। इतना भारी शरीर भैंस का, गाय का, हाथी का, वो भी चलते हैं। तुम उतने भारी तो नहीं हो, उतने टन के तो नहीं हो, तुम तो भी नहीं चलते। सिर्फ एक विचार है मैं बीमार हूं, एक विचार है हमारे शेड्यूल बहुत हैं, एक विचार है हम थके हुए। यहां से होके जाएंगे, फिर वहां से आए ना थके हुए, यहां कौन से पहाड़ तोड़े। मैं सबका ब्योरा लेता हूँ, अगला व्यक्ति यहाँ कितनी सेवा करके गया मुझे बताओ तो सही। कहते हैं कुछ नहीं, वो तो अपने लायक ही नहीं है, हमारी यहाँ क्या सेवा करता। कभी कभार किचन में आ गया, एक कप चाय छान गया तो छान गया, तो उसमें भी थक गया बेचारा। बहुत वहां से भी आते हैं ना, थक जाते हैं। दो दिन तो हम हफ्ते में वहीं रहते हैं, तीन दिन तो हम उधर ही होते हैं। यहाँ क्या किया? किया क्या तुमने यहाँ भाई? कोई सेवा करी हो? कभी हमें फुल्का बना के खिलाया हो? कभी झाड़ू पोछे किए हो घर के? कभी डस्टिंग की हो? उल्टा करते तो ना थकते। हम लोग छोटे होते थे ना, बड़े लोग बोलते थे सोया मोया एक बराबर, जो सोया वो मोया, दोनों बराबर हैं, सोया हुआ भी मुर्दा भी। इसीलिए चलते रहो, एक्टिव रहो, दौड़ते भागते रहो, मन में उत्साह वाले विचार रखो। चलो दौड़ें भागें, काम करें, सेवा करें, करें कुछ। तुम सारा दिन ढूंढोगे शरीर को कैसे पड़ा रहे। भैंस पानी में पड़ी रहती है, ऐसे सोचते हैं बस हम भी कहीं पड़े रहें। क्या करें, मन ही नहीं करता। मन कहाँ से करेगा, आदतें ही ऐसी डल गई, आदतें पड़ चुकी। इतना शरीर को बिगाड़ लिया है, अब धीरे धीरे चलाना शुरू करो। बॉडी स्टिफ हो जाएगी, जाम हो जाएगी, ऐसे हो जाओगे पत्थर जैसे, अजीब से बेकार हो जाओगे। चलते रहोगे तो सही रहोगे, भूख भी सही लगेगी, शरीर पानी भी मांगेगा। बहुत सी बीमारियां पानी से खत्म हो जाती हैं। काम करोगे, चलोगे, शरीर कुछ मांगेगा, भूख प्यास लगेगी इसको, दौड़ भाग करेगा, अच्छा रहेगा। लिफ्टें नहीं होती थी अच्छे वाले, सब सीढ़ियां चढ़ते ही थे ना। अब सारे पहले पूछते हैं सीढ़ी है लिफ्ट है, फिर हम ना चलें अगर लिफ्ट है तो। अब रावण भी स्वर्ग की सीढ़ी बना रहा था, लिफ्ट नहीं बना रहा था। तो तुम तो नरक ही चूज करते, स्वर्ग को अगर सीढ़ी जाती है रहने दो, मुझे नरक ही बता दो। यही करते तुम और क्या करते। वो आदमी ने शराब पिया, पंडित जी ने बोला बेटा नरक जाएगा शराब पीता है। कहते हैं मैं नरक जाऊंगा तो बेचने वाले का क्या होगा? बोला बेचने वाला भी नरक जाएगा। बोला तो वो जो पी के लोग उसके पास जाते हैं नर्तकी के पास, उसका क्या होगा? बोला वो भी नरक जाएगी। बोला वो जो सिगरेट बेच रहा है, बोला वो भी नरक जाएगा। सारे जो गंदे काम वाले हो नरक जाओगे। कहते तो पंडित जी स्वर्ग में जाने की जरूरत क्या है फिर, जब सारे ही नरक जाने वाले हैं, मैं भी चला जाऊंगा, छोड़ो टेंशन ना। तो तुम लोगों का वही हाल है, सोचोगे कि नरक ही ठीक है, नरक ही है, ये और क्या है। जवानी में शरीर बीमार पड़ा रहे, दुखी पड़ा रहे, ना इसका इलाज करो, ना इसको हिलाओ डुलाओ, ना परहेज करो, ना इसका ध्यान रखो, इससे बड़ा नरक और क्या होगा।
ये तो तुम जबान से खुश हो ना, ज्ञान मिला, भगवान मिला, हम भाग्यशाली हैं। कहाँ से भाग्यशाली हैं? सारा दिन तो मुंह पे 12 बजे रहती है, अंदर से तुम खुश नहीं रह पाते, कहे के भाग्यशाली। भाग्यशाली तो तब गुरु जैसी जीवन बना के दिखाओ, भाग्यशाली तो तब उन जैसा कार्य करो, भाग्यशाली तो तब उनके साथ दौड़ के दिखाओ। मजा तो तब है ना, उनके साथ दौड़ो। पड़े रहते हैं सारा दिन, उनको तो कभी कभी ऐसे लोगों से डर लगता है, पता नहीं हम लोगों के लिए भी ना सोचते हो उनको देह अध्यास है, डर लगता है क्योंकि ये तो अपने बीमारी से भी लापरवाह, अपने खाने से भी लापरवाह, वॉकिंग से भी, और हम लोग एक्टिव रहते हैं इन बातों में, सारा दिन लोग ध्यान रखते हैं, समय से खाएं, समय से उठें, समय को डर लगता है भाई ये लोग अंदर सोचते होंगे पता नहीं इसी को देह अध्यास है सारा, सारा दिन इनका तो रूटीन ही चलता है। पर अगर रूटीन से ना चलें तो फिर हम लोग चल भी नहीं सकते, एक रूटीन तो चाहिए, बिना रूटीन के कैसे चल सकते हैं तुम खुद सोचो, एक रूटीन तो चाहिए होता है ना अपने को चलाने के लिए। और जो लोग ये रोना रोते बहुत बिजी, हम कहते हैं हमसे ज्यादा बिजी है, हमसे ज्यादा शेड्यूल है तुम्हारे, इतना शोर मचाते हैं बेकार का, तुम तो अपने ही शहर में घूमते हो, हम तो शहर शहर घूमते, आज इधर कल उधर, परसों उधर, तरसों इधर, और सबकी अपनी डिमांड्स होती हैं, सबकी अपनी डिमांड्स होती हैं। अभी कल एक शहर का सत्संग है शाम को, अब वो लोग मान ही नहीं रहते, संडे को ही चाहिए। संडे को हम बहुत बिजी रहते हैं, मुश्किल से हम 4-5 बजे तो फ्री होते हैं, कोई बात नहीं 4 बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, फिर क्या हुआ भाई, ठीक है तुम्हारी भी मान लेते, चलते कोई बात नहीं, तुम कितने बिजी, सारी मन की बकवास है और कुछ भी नहीं। जो अपने आप को नहीं चलाना चाहता वो ऐसे फालतू बातों में पड़ा रहे, रखो अपना ध्यान, चलो। बहुत अच्छा, भगवान ने शरीर को इतनी क्षमताएं दी हैं, बस तुम्हारा मन सही हो। बहुत क्षमता है शरीर के अंदर, बहुत कार्य कर सकता है। इंदिरा गांधी भी तो काम करती थी 20-20 घंटे, अभी तुम्हारा मोदी भी तो करता है, फिर वो कोई अलग रोटी खाते हैं, तुम्हारी वाली खाते हैं ना, उल्टा कम ही खाते हैं, क्योंकि जिसको काम ज्यादा करना हो खाता का, पढ़ाई के दिनों में रोटी नहीं कम कर देते थे हम लोग, खुद ही कम कर देते थे खाना, या फिर नींद आएगी, आलस आएगा, नहीं 2 रोटी खाते थे, 1 पे आ जाते थे एग्जाम डेज में, अपने आप ही घटा देते थे, फ्रूट वगैरह ले लेते थे, दूध पी लेते थे कि नहीं हमको नींद आएगी भाई, खाना मत दे, बीच बीच में भी नहीं खाते थे, बहुत भूख लग भी गई तो चने रख लेते थे, चने खा लिए थोड़े से, बस पानी पी लिया, ऐसे करते थे कि नहीं, कि जिसको ज्यादा चलना है वो उल्टा कम खाता है और दौड़ाता है शरीर को, लेकिन जिसको चलना नहीं है वो खिला खिला के शरीर को भारी करता रहेगा, मन दिखाता रहेगा तू तो बहुत थक गया है, तेरे पास बहुत काम है, तेरे को बहुत बीमारियां, कहाँ से आई हैं बीमारियां, और अभी भी बीमारी से लड़ने के लिए क्या कर रहे हो, ये बताओ, बीमारी से लड़ने के लिए क्या कर रहे हो, डिपेंडेंट हो रहे हो दूसरों पे, बस कोई आ जाएगा, कोई सेवा कर देगा, कोई खिला देगा, कोई चला देगा, तुम्हें रहे कि मैं सबकी सेवा करके जीऊं, तुम्हें लगे तुम्हारी बॉडी एक्टिव है, कैसे चलते। फिर ये लोग हमको बोलते हैं आप फलाने को समझाइए, हमको गुस्सा आता है ऐसे लोगों को, हमसे बात ना करो ऐसे, मूर्खों की बात मत करो मेरे से, इतने साल बैठ के अगला मुझे समझ ही नहीं पाया। रोज हम कहते हैं तन का भी विज्ञान पता, अपने मन का भी तुम्हें पता, तन मन को सही रखो अपने, बाहर से भले जितना अच्छा ज्ञान मर्जी बोल, लेकिन अंदर का जो मैस है ये जब तक खत्म नहीं होगा आनंद नहीं फूटेगा, अंदर का मैस खत्म होना चाहिए। अब ये थोड़ी मतलब है ज्ञान बोला गुरु ने तो इसी में घुसे रहना, डॉक्टर हॉस्पिटल जाता है, सारे पेशेंट्स को देखता है, लेकिन वहीं पर्चियां छोड़ आता है, क्या किसी पेशेंट का चिंतन लेके आता है घर में,
तुम लोग निष्काम पे भी जाओगे, उनका कचरा भी घर ले जाओगे। फलानी दुखी, फलानी सुखी, फलाना ये कह रहा है, कह रहा है, कर रहा है, छोड़ो उनको। तू फिर अपने आनंद में आ, तू फिर अपनी मौज में आ, तू फिर अपनी सेवा काम में लग। तुम काहे भारी हो रहे उन लोगों के पीछे, उनका कचरा भी अंदर। बेखुदा ना खास्ता दो मिल जाए एक कैटेगरी के, करने दोनों सत्संग करते चल, फिर आ लगेंगे बैठ के बातें करने लोगों की, क्यों कर रहे हो, हाल चाल ले रहे हम ना उसको बता रहे, मुझे बता रहे। सच बात है क्या, जगत ही मिथ्या है, घर के पर पंच छुड़ाए नहीं तुम्हें, अब ये नए मिल गए। फिर अब जंग जड़ मुई, जंग मुई, मरे जिए जिसका जो हुआ जवाब दिया है, भूल जाओ, वापस आओ, फ्रेश रहो, माइंड ही नहीं फ्रेश रहता, अब और बातों में लग जाएंगे फालतू की। क्यों कर रहे हो बातें, क्यों कर रहे हो डिस्कशन, मिलना ही क्यों है तुम लोगों को आपस में, अपने घर जाए, वो अपने घर जाए, छुट्टी कर, भूल जाओ सबको, अपने अपने लिए जियो। ये एक नई माया होगी। चलो कभी कोई बिगड़ जाता है केस, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्कस कर लो, रोज का धंधा बना लेती, बैठ के बातें करनी करनी, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की। क्या इसमें कर्म नहीं बन रहा, ये पाप नहीं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? फिर आ लगते हैं डिस्कशंस करने, फिर बैठ जाएंगे परपचर करने। अपने मन को ना हर चीज से निकालना पड़ता है, ये भी कोई सच नहीं है माया निष्काम की, इससे भी अपने मन को निकालना पड़ता है। हम तो अपने आनंद में रहे, हमें क्या लेना, चलता रहेगा जगत ज्यों का त्यों, चाहे कोई बहुत प्यार भी करे तो भी अपना ठीक है, उसको वहीं छोड़ो, उसका भी चिंतन रख के क्या करना। यानी सबके बिना चल सकता है, सबके चिंतन के सिवाय रह सकता है, काहे चक्की पीसते हो सारा दिन। समय बहुत है हमारे पास, दिक्कत ये है कि हमारे ख्यालों की माया बड़ी गंदी। अगर इंसान अपने को सही रखे ना, बहुत आनंद में रह सकता है, ना उसको तन तंग करता है, ना मन तंग करता है, ना जगत तंग करता है, कोई नहीं तंग करता, बैलेंस करना आ जाए बस, जहाँ की बात वहीं छोड़ो, क्या दिक्कत है, खुशी है फिर तो, जहाँ की बात है उसको वहीं छोड़ दो, फिर बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, है कोई प्रॉब्लम, कोई भी नहीं। तुम्हारे साथ पास्ट भी चलेगा, फ्यूचर भी चलेगा, चींची भी चलेगी, क्या फायदा, क्यों चल रहा है तुम्हारे साथ इतना जगत, प्रेशर है, प्रेशर किस चीज का, प्रेशर है, प्रेशर किस चीज का, शरीर चल के चला जाता है, सेवा कर आता है, खत्म बात, सोचते क्या हो, उनको तो कभी कभी ये नहीं समझ आता तुम सोचते क्या, कहेंगे बहुत काम है, बड़ा नाम, प्रेशर में रहते हैं, किस चीज का प्रेशर भाई, किस चीज का प्रेशर, प्रेशर तो कोई है ही नहीं। एक प्लानिंग करनी होती है थोड़ी सी तो हो ही जाती है, हम लोग भी करते हैं, उसमें क्या, अब इतने शहर मैनेज करने होते हैं, आना जाना होता है, ठीक है एक दिन कागज पे बैठ के हफ्ते का रूटीन सेट कर लेते हैं, उसमें भी फ्लेक्सिबल रहते हैं, फिर कोई अचानक आ जाता है, चेंज करना पड़ता है, हो गया, दो मिनट की कहानी होती है सारी। प्रेशर लेके क्या करें, आज इधर जाना है, कल उधर जाना है, परसों ना उधर जाना है, तो क्या है, हो ही जाता है, दिक्कत क्या है उसमें। ऐसे ही सोच भारी करती है इंसान, है कुछ नहीं, बहुत काम है, बहुत काम है, कितना काम है, और पता है तुम्हें लिमिट, आज मान लो 100 शहर है, हमको पता है ना एक दिन में हम दो ही जगह जा पाएंगे बस, ठीक है एक जगह जा पाएंगे, दूर का होता है एक जगह ही जा पाएंगे, चलो लोकल हैं दो में चले जाएंगे, ठीक है पता है, प्रेशर काय का, कोई प्रेशर नहीं, सत्संग कोई प्रेशर है क्या, अरे गुरु महिमा में तो बड़ा आनंद आता है, जान गए मौज लूट के, कल शाम को सत्संग हुआ कितना मजा आया, भगवान की क्या बातें याद आ गया सब बचपन, इतना मजा आया कल, उल्टा सत्संग से आके इतनी प्रफुल्लता थी, इतना
अच्छा लग रहा था, सब बचपन याद आता जाए, कैसे कैसे बैठते थे, कैसे कैसे बैठते, क्या क्या गलतियां करी, भगवान ने क्या क्या सिखाया, कहाँ डांट खाई, कहाँ प्यार से उन्होंने कहा। सत्संग भी मजा है, यहां भी तो आनंद ही लिया हमने, क्या किया है, आनंद लिया, खुश होके गए यहां से भी, प्रेशर कहाँ है, कहीं भी प्रेशर नहीं। हाँ, अपनी आदत गलत बना लो तो हर चीज प्रेशर, फिर तो तुम एक चिट्ठी लिखने को भी कह दें तो प्रेशर, हाय राम क्या करें, हाय राम आप तो कहते हो करो, तो इतना सुना है तुमने, इतना समझा है तुमने, एंजॉय करो अपनी सेवा को, अगर तुम्हें सेवा दी है हमने, एंजॉय करो। जो लोग ख्याल सही नहीं रखते ना, सेवा भी एंजॉय नहीं करते, वो भी दुखी रहेंगे। सेवा को भी एंजॉय करो। उस दिन बोला ना मैंने, क्या है इंसान, मैन इज इक्वल टू ईट वर्क स्लीप प्लस एंजॉय। डोंकी क्या है, ईट वर्क एंड स्लीप, एंजॉय नहीं कर सकता, है ना। अब अगर हम देखें तो मैन इज इक्वल टू डोंकी प्लस एंजॉय, ठीक है, और डोंकी इज इक्वल टू मैन माइनस एंजॉय। जो आनंद में नहीं रहता वो डंकी हो गया, क्योंकि सिर्फ बोझ उठाएगा, काम का बोझ, सेवा का बोझ ही ले। क्यों बोझ ही ले, क्योंकि एंजॉय नहीं कर रहा। अरे भाई, तुम जो कर रहे हो उसको एंजॉय करो, खुशी से करो, आनंद से करो, मजा आएगा। ड्यूटी थोड़ी देनी, अब सत्संग कोई ड्यूटी है क्या, मैं रोज ड्यूटी पर पहुंचना है, यहाँ ना 9 बजे रोज पहुंचना है ड्यूटी पर, नहीं, एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं सुबह सुबह उठ के, फिर सत्संग जाएंगे, फिर भगवान की बातें करेंगे, गुरुजी की बातें करेंगे, मजा आएगा, फिर पूरा दिन सबसे मिलेंगे, फिर हरि की चर्चा होगी आज, मजा आएगा, पूरा दिन एंजॉय करते हैं। तुम पता नहीं कौन से प्रेशर में रहते हैं, कौन से प्रेशर पंप लगा रखे हैं, सारा दिन प्रेशर ही फील करते रहते, भारी होते रहते हो हर चीज से। ख्याल गलत है और थोड़ी कुछ है, ख्याल सही करो। सब कुछ मैनेज होता रहता है, शरीर भी मैनेज होता है, सत्संग भी मैनेज होता है, घर भी मैनेज होता है, और पता फिर कुछ नहीं चलता। जब तुम लेक्चर ये करते हो कि पता ना चले, कर्ता भाव ना हो पता ना चले, तो तुम्हें प्रेशर काहे का, तुम काय करता भाव में घूम रहे हो भैया, तुम भी अकर्ता होके चलो, आनंद में चलो, मौज में चलो, बहुत बढ़िया, एंजॉय करते हुए चलो लाइफ को। तुमने ऐसे ही भार ढो रखा है अपने सिर पे। कईयों को तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बने बनाया काम मिल जाता है, तो उसको मैनेज करने में भी टेंशन है, बड़ा शेड्यूल है, बड़ा प्रेशर है। कोई बात करे ना थोड़ी सी भी, आपको क्या पता हमारे पास कितना काम है, आपको, और काम कोई नहीं करते, सारा दिन बैठे, 1 घंटा सत्संग आएंगे फिर बैठे, या लेटे हुए हैं या बैठे हुए, या आजकल तो मोबाइल में गेम आ गई सबके पास, कैंडी क्रश खेलते हैं सारे, ये सोचते हैं हमको पता नहीं है, पता मेरे को सबकी, खबर तो सबकी होती है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, या फिर गाने शाने सुनेंगे, या फिर YouTube पे, सारा दिन ऑनलाइन, वैसे इनके पास टाइम नहीं है, वैसे इनके पास काम का प्रेशर बहुत है, सब नौटंकी है और कुछ नहीं, साफ नहीं हो, सच्चे नहीं हो सब, अपने से ईमानदार नहीं, अपने को चलाना नहीं आया ना जिसको, वो आदमी जिंदगी में कहीं सफल नहीं होगा। और जिसको अपने को नहीं चलाना आता, वो हमारे कहने से क्या चलेगा, सफा बेकार जाएगी जिंदगी उसकी। अपने को चलाना तो आए, एक्टिव रहो, पूरा टाइम एक्टिव रहो, जब तुम उठ के पानी पी सकते हो, मांग क्यों रहे, एक पेन भी हाथ से गिर जाए ना, दूसरे को जरा उठा के देना, अरे तुम इतना सा झुक भी नहीं सकते हो क्या। हम लोग तो कोशिश करते हैं दूसरे के आने से पहले काम कर लो, फिर वो आके कहेगा नहीं हम कर देते हैं, कर दो,
खुद ही करके रख छोड़ो। ख्यालन जी गाल सारी, ख्यालन जी रांद सारी, ख्यालन कई ख्वारी, उन ख्यालों ने ख्वार किया हुआ है सबको। बड़ी बड़ी उम्र के लोग चल रहे हैं, जवान जवान लोग बैठे, क्यों भाई? कोई तुम्हारे साथ नई बीमारी नहीं है, कोई तुम्हारा शरीर नया नहीं है। लेडीज को ना बहुत दिक्कतें होती हैं, तो सबको ही होती होंगी ना, तुम्हारा तो टाइम एडवांस गया है। पुराने लोगों से पूछो, बड़े लोगों से पूछो, फिर उन्होंने टाइम नहीं निकाला क्या? उन्होंने घर नहीं चलाए क्या? गृहस्थियां नहीं चलाई क्या? पर तुमने अपने को बनाया हुआ गलत, और कुछ भी नहीं। शरीर तो सबके हैं, दुख सुख सबके साथ है। मेहनत करो, कोशिश करो, पर सबसे बड़ी बात है शरीर एक्टिव होना चाहिए। इसको सेवा में रखो, इसको हिलाओ डुलाओ, चलाओ इसको, ये बैठा बैठा जंग खा जाएगा। सबको काम वाली बाइयां चाहिए, सत्संग सुन लिया तो तुम्हें अब यहाँ सत्संगी साथी मिल जाते हैं। शरीर को बस आराम ही आराम, पूरे दिन में हिलना डुलना है ही नहीं कहीं पर। तुम बस से चलो, तुम पैदल चलो, तुम ऑटो से चलो, जरा शरीर को कुछ झटका वटका आए ठीक हो। ये हार्ट में ब्लॉकेज ब्लॉकेज हो जाती तो क्या करते एक्सरसाइज में? जंपिंग कराते, ठीक होएगा। कचरा जो जम गया निकल जाएगा। जंपिंग खास कराते, ऑटो में बैठ रहे ऐसे जंपिंग सहज होती, कहीं तुम्हें धक्का ना लगे, कहीं तुम्हें झटका ना लगे, कहीं तुम्हें खड़े ना होना पड़े, कहीं तुम्हारी मेहनत ना लगे। क्या बना रखा है तुमने अपने? जानवर भी अपना शिकार करने जाता है, तुमको तो खाना भी बेड पे चाहिए। जानवर भी जाता है ना शिकार की खोज में, अपना भोजन खोज के खाते। चिड़िया उड़ उड़ के दूर दूर से ढूंढती है दाना। इंसान कहेगा पानी भी, वो लड़का बोलता है माँ को पानी दे दो, थप्पड़ मारूंगी। कह रहे थे थप्पड़ मारने आए तो पानी लेती है, थप्पड़ मार जाते पर पानी दे दो, यहाँ बैठे कौन ले? दवाई तुम्हें खानी है, देगा दूसरा। मेरे हाथ में दे दो दवाई, मैं खा लूं, पानी दे जाओ तो खा लूं। यही दिक्कत है। जिसके ख्याल अच्छे हैं उसका शरीर अच्छा है, उसकी पूरी प्रकृति अच्छी है। और जिसके ख्यालों में ही बैलेंस नहीं है ना, शरीर अलग बिखरा हुआ है, जगत उसका पूरा बिखरा हुआ है, और दुखी सो संसार में जो उल्टे मार्ग जाए। यही लोग दुखी हैं जो उल्टे मार्ग जा रहे हैं, जिनको सही चलना ही नहीं आता, रहती सही नहीं है जिनकी, दुखी सिर्फ वही लोग। वरना ऐसा कोई कष्ट भगवान ने नहीं दे रखा किसी को। अपना खाना पीना सोना चलना रहत रहन सब पे ध्यान दो। पूरा खाना पूरा सोना पूरी रहत रहन हेमा सुख जी खान, ये सुख की खान। पूरा खाना पूरा सोना पूरी रहत रहन, यानी कि रहनी भी ठीक है, इसे नेग्लिजिबल नहीं है इन चीजों में, उसका आचरण अच्छा। आलस के मारे ऐसे गलत रहनी नहीं है उसकी, सही रहनी। सही है खाना पीना, सही है चलना फिरना, सही है उठना बैठना, सही है बातचीत करना, सही है सबको टैकल करना, सब ठीक ढंग से चलता, कोई इतनी सी शिकायत नहीं कर सकता। लेकिन शुरुआत तुम्हारे ख्यालों से, उसको सही करो। आई बात समझ में?